कि मैनिफेस्टो में खुद प्रॉमिस में लिखे हैं, 21 प्रॉमिस में लिखे हैं कि दो इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 25-50 हजार करके, बट इसको वो डिवाइड कर दिए 5 साल में, जो और वो भी 5-5 हजार करके इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, तो इसमें वो लोग कैसे पाएंगे। और पहला राखी पर्व तो चला गया, तो राखी का इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा। देखिए, सुभद्रा योजना को लेकर तो हम लोग विरोध किए थे, क्योंकि बीजेपी का खुद का जो मैनिफेस्टो था वो क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि 50 हजार रूपये मिलेगा, वो भी 2 साल में इन कैश कर पाएंगे, कैश वाउचर के हिसाब से, दो इंस्टॉलमेंट में 25-25 हजार करके। इससे क्या होता, महिला एक साथ एक बड़ा रकम मिलता उनको, और इस रकम को वो यूज कर पाते, कहीं पे इन्वेस्ट कर पाते, और उनको हैंड होल्डिंग भी जरूरी है। सिर्फ योजना कर देने से नहीं होगा, ये रकम वो कैसे इससे मल्टीप्लाई करके अपना व्यवसाय कर पाएंगे, अपना पैर पे खड़े हो पाएंगे, ये होना चाहिए मुद्दा। लेकिन उसको वो लोग तोड़ दिए, 5 साल कर दिए, और साल में 2 किस्ती में दिया जाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 5-5 हजार करके। अगर हिसाब करेंगे तो हर महीने 833 रूपये होता है। इतने में जो महिला सशक्तिकरण लिखा गया था मैनिफेस्टो में, क्लियरली लिखा था, बजट में भी लिखा है कि सुभद्रा योजना के माध्यम से बीजेपी सरकार सोचता है कि महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो पाएगा, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो पाएगा। तो ये पूछना चाहते हैं पहले कि इससे कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा। नेक्स्ट रहा जो एसओपी आया है, कल मध्य में कटक में थी तो बहुत सारे ग्रुप के महिला आए थे पार्वती कटक से, तो उनका मेन डर ये था कि जो एक्सक्लूड कर दिए हैं 60 साल से 80 साल के महिलाओं को, अच्छे से पता है हमें कि 60 साल के बाद जब एज होता है तो तब महिलाओं का प्रॉब्लम्स और बढ़ता है, घर में भी इश्यूज होते हैं, बहुत जगह देखे हैं हम, कुछ कुछ लेडीज लोगों को घर से निकाल भी देते हैं। तो उन लोगों को ज्यादा जरूरी है ये रकम का, ताकि वो एटलीस्ट अपना खर्च उठा पाएंगे। और हम एक एज लिमिट करके एक रिस्ट्रिक्शन रोक दे रहे हैं उनको कि आप 60 साल के ऊपर हो जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, जबकि नायका आप देखते हैं वो भी 50 प्लस एज में इतना बड़ा एक कंपनी बना के कहां से कहां पहुंच गया। तो आप एक एज लिमिट मत रखिए, 60 को 80 तक ले जाइए, बिकॉज 80 के बाद तो पेंशन मिलेगा सबको, बट ये एक ग्रुप को एक्सक्लूड करना सही नहीं है। और अगर ये योजना के माध्यम से महिलाओं को दिया जा रहा है तो हर महिला को दिया जाए, इसको दिया जाएगा उसको नहीं दिया जाएगा, तो ये डिफ्रेंसिएशन ना किया जाए जो 1 करोड़ 7 लाख महिलाओं को देंगे, बाकी का क्या होगा। तो ये सब राजनीति वाइज भेदभाव ना किया जाए, वोट बैंक पॉलिटिक्स ना किया जाए, और सही तरीके से हर महिलाओं को दिया जाए। और जो बोले थे 50 हजार 2 किश्ती में 25-25 हजार करके, तो वैसे दें, और उनके लिए भी बैकएंड में सोल्यूशन करें कि कैसे उनको हम लोग हैंड होल्डिंग कर पाएंगे, उन लोगों को क्या रास्ता दिखा पाएंगे, कौन सा बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, कौन सा बिजनेस वो कर पाएंगे, उस पे ट्रेनिंग, उस पे वर्कशॉप, उस पे उनको लिंकेज करें, तो उसमें ध्यान दें तो बेहतर होगा। देखिए, ये तो पूरा एक धोखा हुआ उनके साथ। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैनिफेस्टो में खुद प्रॉमिस में लिखे हैं, 21 प्रॉमिस में लिखे हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 25-25 हजार करके, बट इसको वो डिवाइड कर दिए 5 साल में, जो और वो भी 5-5 हजार करके इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, तो इसमें वो लोग कैसे पाएंगे। और पहला राखी पर्व तो चला गया, तो राखी का इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, 29 में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कैसे मिलेगा। तो बहुत सारा ग्रे एरिया है, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, सही तरीके से नहीं दिया गया है, लाइन लगा रही है महिला वहां पे, जो बोल रहे हैं ट्रेनर लोग वो भी उनको डरा दे रहे हैं। कल तो मेरे पास आके कुछ बोले, मैडम बोल रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। मैं फिर पढ़ के दिखाई उनको कैसे नहीं मिलेगा। तो एक अवेयरनेस भी जरूरी है, आप समझाओ सही तरीके से कि क्या डायरेक्शन में जाना है, कैसे महिला पा सकेंगी, परेशान मत करिए, हैरेस मत करिए, लाइन लगा के महिला खड़े हैं, वापस भेज दे रहे हैं। सो एक योजना को सही तरीके से प्रॉमिस के हिसाब से आप पूरा कीजिए।